नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंडियन आर्मी ने एक और बड़ी भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। टेक्निकल एंट्री के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट के लिए भर्ती आई हुई है। साथ ही जो डिफेंस पर्सनल है जो कि युद्ध में शहीद हुए हैं, उनकी जो विधवा है उनको भी एंट्री इसमें मिलने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, साथ ही आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी किया इंडियन आर्मी ने, फॉर्म भरे जाएंगे joinindianarmy.nic.in से। ये 56वां शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स है टेक्निकल मैन का, जो कि अप्रैल 2021 में शुरू होगा। साथ ही 27वां शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन कोर्स जो है वो अप्रैल 2021 में शुरू होगा। जो विडोज हैं डिफेंस पर्सनल की, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए आप अनमैरिड मेल फीमेल होने चाहिए या फिर डिफेंस पर्सनल की विधवा हो। आपकी ट्रेनिंग होगी अप्रैल 2021 में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट रखी गई है मैन और वुमेन दोनों के लिए 20 से लेकर 27 साल, जो कि 1 अप्रैल 2021 को काउंट होगी। यानी आपका जन्म 2 अप्रैल 1994 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच में हुआ हो। जो विधवा महिला हैं जिनके पति युद्ध में शहीद हो चुके हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज है 35 साल। एज लिमिट जो भी है वो 1 अप्रैल 2021 को काउंट की जाएगी और जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही मान्य होगी। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो या तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कंसर्न ब्रांच में, या फिर आप फाइनल ईयर में हो और जिस दिन आप कमीशन प्राप्त करें उस दिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यानी जब आप ओटीए चेन्नई में आए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें विधवा महिलाओं के लिए जो डिफेंस पर्सनल की है, तो नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, वही टेक के लिए बीटेक होनी चाहिए। बात करते हैं वैकेंसी कितनी कितनी आई हुई है। तो सिविल इंजीनियरिंग में 49 वैकेंसी आई हुई है, और जो एलाइड ब्रांचेज अलाउ की गई हैं वो की गई हैं सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी आई है, वहीं 1 वैकेंसी आई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वालों के लिए 15 वैकेंसी आई हुई है। वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आई है 16, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आई हुई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी 47 है, और इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट को भी अलाउ किया गया है। अगर बात करें ईटी की या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो 21 वैकेंसी आपकी आई हुई है, जिसमें ईटी या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की भी जो बीटेक है वो बी है वो भी अलाउ की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स की 3 वैकेंसी आई हुई है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव की 3 वैकेंसी है, एयरोनॉटिकल की 5 वैकेंसी हैं, इसके अलावा एवियोनिक्स की 5 वैकेंसी आई हुई हैं, एयरोस्पेस की 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 वैकेंसी आई हुई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी आई हुई है, टेक्सटाइल में 1 है, ट्रांसपोर्टेशन में 1 वैकेंसी आई हुई है। टोटल 175 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। अगर हम बात करें वुमेन कैंडिडेट के लिए कितनी भर्ती आई हुई है, तो वुमेन कैंडिडेट के लिए सिविल में 3 वैकेंसी है, आर्किटेक्चर में 1 है, मैकेनिकल में 1 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में 2 है, 4 है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल में है 1। टोटल 14 वैकेंसी महिला कैंडिडेट के लिए आई हुई है। वहीं विधवा महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी है। विधवा महिला से तात्पर्य है कि वो महिला जिनके पति युद्ध में शहीद हुए हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ कमीशन की, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी ओटीए चेन्नई में। जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको एसएससी दिया जाएगा। एंट्री डेट सीनियरिटी की बात करें तो उनका 1 साल का सीनियरिटी उनको मिलेगी, यानी उनकी 1 साल की सीनियरिटी उनको मिलेगी जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तब। ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग होगी, 49 वीक की रहने वाली है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। टेनर एंगेजमेंट की बात करें तो आपको पहले 10 साल के लिए, उसके बाद 4 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा आपका कार्यकाल। लेकिन अगर आप अच्छी सेवा देते हैं और वैकेंसी होती हैं, तो आपको परमानेंट कमीशन के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान आपसे कोई भी खर्चा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग छोड़ देते हैं बीच में तो 11,952 रुपए पर वीक के हिसाब से आपको पे करना होगा। अगर बात करें पे की, तो लेफ्टिनेंट के लिए 5600 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 85,000 रुपए पर मंथ और ये आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप
www.joinindianarmy.nic.in पे जाके वहाँ ऑफिसर एंट्री लॉगिन पे क्लिक करके, अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे ही लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। जब आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको लेके आनी है, साथ ही भरे हुए फॉर्म की कॉपी भी आपको लेके आनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो आपका SSB इंटरव्यू के थ्रू रहने वाला है। इसमें जब आपको बुलाया जाएगा तो आपकी जो 6 सेमेस्टर तक की परसेंटेज है उसके बेस पर आपको कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं MSc कंप्यूटर साइंस वालों को 2nd सेमेस्टर तक और आर्किटेक्चर वालों को 8वें सेमेस्टर तक की ओवरऑल परसेंटेज के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा SSB सेंटर पर जो कि है इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु और कपूरथला। यहाँ पर आपका साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर द्वारा टेस्ट लिया जाएगा। 2 स्टेज का रहता है। पहले दिन पहली स्टेज में जो फेल हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, जो पास हो जाते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। वहाँ उनका 5 दिन का पूरा एक कार्यक्रम चलता है, पूरी उनके एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद मेडिकल के बाद उनको मैट के बेस पर फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। मेरिट लिस्ट जो है वो SSB इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर ही बनती है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 14 अक्टूबर, लास्ट डेट है 12 नवंबर। 14 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी में SSC टेक्निकल के लिए, मैन और वुमेन की दोनों की, उसके बारे में। अगर आपने BE/BTECH कर रखी है और आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई अवश्य करें। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम देते हैं सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।